हेलो गाइस, वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका 542 और 545 का कंपैरिजन गोल्ड शॉट का रिव्यू लेके आ चुका हूँ। देखिए ये शॉट लाइन के खिलाफ भी 542 यूजफुल, मैकलम का ये शॉट, बाज का ये शॉट, देखिए यॉर्कर के खिलाफ भी ये यूजफुल है गाइस। जी हाँ, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी मैं बताऊंगा, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि शॉर्ट लेंथ के खिलाफ भी काम करेगा। स्पिनर आ रही है अगली गेंद और ये देखिए मिडल ऑफ द बैट और ये लंबा सिक्स 100 प्लस का ही रेंज है गाइस। यॉर्कर किलर है ये शॉर्ट, ये कह सकते हैं क्योंकि यॉर्कर के सामने भी यूजफुल रहेगा हमेशा के लिए। देखिए अब नेगेटिव पॉइंट ये है कि फ्लिपर है, उनके सामने आप मिस करोगे तो स्टंपिंग भी होगा, लेकिन ये देखिए आपको पता है कि ये फ्लिपर आ रही थी और एक स्टेप पीछे हमने जाके किया था। अब लेग स्पिन आ रही है तो लेग स्पिन के सामने भी यूजफुल रहेगा गाइज। टाइमिंग इसका सिमिलियर है गाइज, ना ही अर्ली और ना ही लेट। तो अगले शॉट 545 का करेंगे रिव्यू। देखिए आउटस्विंग थी तो जज किया और पास जाके ये खेला, तो पता होगा तो ये होगा। देखिए गेसिंग भी इंपॉर्टेंट है ये शॉट के लिए गाइज। जी हाँ, 545 ये मिचेल मार्श का ये बेहतरीन शॉट है, लेकिन आपको अर्ली या लेट नहीं करना है। ज़्यादा अर्ली करोगे तो भी आप कैच हो जाओगे और ज़्यादा लेट करोगे तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। लेकिन ये देखिए रविचंद्रन अश्विन की दूसरा थी और अच्छे से पहचाना, गेस किया, 545 का भी रेंज अच्छे से मिल जाएगा गाइज। तो बेहतरीन शॉट कौन सा है आपको बताना है, चलिए कमेंट करके बताना दोस्तों। जी हाँ, कैरम के सामने भी इंपॉर्टेंट ये शॉट, बिल्कुल 545 मिचेल मार्श का। अगली गेंद फ्लिपर आ रही है तो बेहतरीन कनेक्शन अर्ली करना पड़ेगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।